मेरा गाड़ी आ गया पपन एक्सप्रेस, और जब ये रुकता है तो फिर मैं इसी में बैठूंगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत करता हूँ फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों ये देख सकते हैं ये बोरा झोरा और मेरे पीछे पे बैग लटका है। तो आज मैं गांव जा रहा हूँ, मतलब अपने बिहार जा रहा हूँ दरभंगा, और मेरा ट्रेन है आज 11:30 बजे से, और पवन एक्सप्रेस है 11:061 है। तो इसलिए मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ, और मैं हूँ अभी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, थाने स्टेशन पे हूँ। और सामने वो थाना स्टेशन आपको दिख रहा है, थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ, वहाँ वो थाना स्टेशन है। इस प्लेटफॉर्म पे हमारा ट्रेन आएगा, उस पे हम लोग बैठेंगे, फिर कैसा जर्नी रहता है हमारा आने जाने का, सारा चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आप सबको मैं दिखाऊंगा। और क्या है ट्रेन का स्थिति, भीड़ भाड़ तो नहीं है, क्या क्या फैसिलिटी है, सारा चीज़ इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। तो अभी हमारा ट्रेन नहीं आया है, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं स्टेशन पे। तो ट्रेन आता है तो फिर आपको दिखाता हूँ, सीट दिखाता हूँ। गाइस फर्स्ट टाइम पवन एक्सप्रेस में इतना सुकून वाला, मतलब देख रहा हूँ शांति, और भीड़ भड़क का बिल्कुल नहीं है, और इतना मतलब बहुत अच्छा मुझे इस बार लग रहा है, क्योंकि इससे पहले बार जो मैं आया था ना, इतना भीड़ था कि समझो मतलब टिकट लेने का कोई मतलब ही नहीं था। और मतलब एक पर एक चढ़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था हम जनरल बॉक्स में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं मैं आप खा रहा हूँ, ये देखिए पूरा खाली खाली है, बहुत अच्छा है। और इस बार जो है ये साफ़ सफाई के मामला में बहुत अच्छा है इस बार का हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो मूड होने वाला है अभी, कितना अच्छा है, साफ़ सुथरा है, सब कुछ साफ़ सुथरा है। और इधर से देख सकते हैं और बाथरूम साफ है, और इस बार दिखा दे रहा हूँ, ये भी देखिए अभी बहुत साफ़ हुआ है, पहले बार का अपेक्षा इस बार बहुत साफ़ है, और मुझे इस बार काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इस बार देख के, ये देख लीजिए पूरा साफ़ है, इधर पे मिरर है देख सकते हैं, और इधर पे पानी है साफ़ करने वाला, ऊपर दोनों अपना साफ़ कर लो। और आगे हम चलते हैं, और इधर से देख लीजिए, इधर से आपको कुछ नज़ारा है, मुंबई है, ट्रेन निकल चुका है, थाने स्टेशन से निकल चुका है, और इधर से भाई इस बार तो आपको पहले बता दूं तो भीड़ भड़क का बिल्कुल नहीं है, गैदरिंग नहीं है, और बहुत अच्छा से सीट मिल गया है, और इस बार आराम से जाऊंगा, क्योंकि टेंशन नहीं है, सोचों का जाऊंगा, ज़्यादा भीड़ भड़क का नहीं है, और अपना बैग उधर भी रखा हुआ है। तो चलिए अभी बैठते हैं, बैठने के बाद फिर आगे जो क्या सफर रहता है, कैसा रहता है, सारा चीज़ वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि ट्रेन का रफ्तार बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ अपनी सीट पर बैठने के लिए। फिर रात में खाने पीने का क्या व्यवस्था है सारा चीज़ बताऊँ। इस बार का फैन वन सब सही है, देख सकते हैं अच्छा लग रहा है, और पिछले बार तो मैंने बताया था फैन खराब हो गया था, बल्ब जलाज नहीं कर रहा था। तो चलिए बैठते हैं फिर बताएंगे आगे का सफर। गाइस मैं आ गया हूँ फाइनली S8 में, किधर है मेरा नंबर, मैं बहुत पीछे चला गया था S4 के पास, फिर मैं दौड़ के आया, S9 में मेरा सीट है, थोड़ा सा बहुत दौड़ा इसीलिए थकम गया हूँ, और अभी मैं जाऊँगा S9 में, और फिर वहाँ पर जाता हूँ। इधर तो पूरा खाली खाली है, शांत माहौल है, बहुत अच्छा है। ये गंदे व्यक्ति आए हैं कुछ सामान बेचने के लिए, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ऐसे व्यक्ति आते हैं तो इन लोगों का हेल्प करिए, और इन लोगों से सामान खरीदिए, क्योंकि ये लोग मजबूर रहते हैं काम करने को, क्योंकि ये अंधा है तो इनके पास कोई चारा नहीं रहता है इनके पास कोई चारा नहीं रहता है, तो बेचारे ये लोग थोड़ा बहुत बेच के अपना गुजर बसर करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है पहाड़ों का, वाह काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है,